वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक है इंटरनेट। आज के इस वीडियो में हम टॉप 50 एमसीक्यूज का पार्ट टू करने वाले हैं। पार्ट वन जो है उसमें हमने 29 क्वेश्चंस किए हैं। गाइस उम्मीद है आपने देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लीज मेरे पार्ट वन में जाके आप देख सकते हैं। सो, ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए। दिस इज 1/10th वीडियो एज पर द सिलेबस ऑफ JKSSB। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 30 जो है दैट इज FTP इज यूज्ड फॉर, जो FTP है वो किस लिए यूज होता है। ए इज अपलोडिंग फाइल्स ओनली, बी इज डाउनलोडिंग फाइल्स ओनली, सी इज बोथ ए एंड बी, एंड डी इज नन ऑफ द अबव। FTP is used for uploading files and downloading files. So option C is the right answer, that is both A and B. FTP, uploading files and downloading files. So option C is the right answer. Question number 31 is the internet standard is here A is MIME, B is BINHEX. सो गाइज, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन ए, दैट इज द इंटरनेट स्टैंडर्ड इज। यहाँ पे स्टैंडर्ड, इंटरनेट के स्टैंडर्ड की यहाँ पे बात आ गई, दैट इज MIME। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 इज फाइल टू द वेबसाइट इज ट्रांसफर्ड बाय यूजिंग, देखो फाइल टू द वेबसाइट इज ट्रांसफर्ड बाय यूजिंग, हियर ए इज HTTP, बी इज ASCII, C is FTP. So here the right answer is FTP. ठीक है, फाइल देखो यहाँ पे जो FTP का मीनिंग यही है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पे फाइल टू द वेबसाइट इज ट्रांसफर बाय यूजिंग, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो है FTP, दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। The Telnet protocol assumes that each end of the connection, the client and the server is. यहाँ पे बोला है the Telnet protocol assumes that each end of the connection, the client and the server is. A is NDDT, B is hot dog, C is network virtual terminal. Here That is NVT. देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपको मिल गया, वट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेटवर्क NVT, दैट इज नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। NVT, नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। द टेलीनेट प्रोटोकॉल एज्यूम्स दैट ईच एंड ऑफ द कनेक्शन द क्लाइंट एंड द सर्वर इज क्या है, NVT, दैट इज नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 इज टू यूज टेलीनेट एंड द होस्टस रिसोर्सेज, टू यूज टेलनेट एंड द होस्टस रिसोर्सेज यू विल नीड टू नो, क्या जानना चाहिए हमें। टू यूज टेलनेट एंड द होस्टस रिसोर्सेज यू विल नीड टू नो, हेयर ए इज TCP/IP एड्रेस, बी इज इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस, सी इज द एड्रेस ऑफ द इंटरनेट होस्ट। टू यूज द टेलनेट एंड द होस्टस रिसोर्सेज यू विल नीड टू नो द एड्रेस ऑफ द इंटरनेट होस्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 इज नेम द सॉफ्टवेयर विच कम्स विद ए बेसिक टेलनेट क्लाइंट पैकेज, नेम द सॉफ्टवेयर, कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है विच कम्स विद ए बेसिक टेलनेट क्लाइंट पैकेज। सो हेयर ए इज एक्सेल, बी इज वर्ड एंड विंडोज, सी इज विंडोज 98, डी इज नन ऑफ द अबव। द नेम द सॉफ्टवेयर विच कम्स विद अ बेसिक टेलनेट क्लाइंट पैकेज, हेयर आंसर इज वर्ड फॉर विंडोज। Word for Windows comes with a basic Telnet client package. So, next question is question number 36. The Unix command TTY option that displays the path name of your terminals and prints synchronous line number of the device is given by the option. Here, A is I, B is Q, C is S, and D is none of the above. The Unix command TTY option that displays the
path name of your terminals and prints synchronous line number of the device is given by the option. Here A is the right answer, that is I. Next question is question number 37. The telnet is no versatile that you can establish telnet session on one of the following types of communications. Telnet is no versatile that you can establish telnet session on one of the following types of communications. Here A is radio connection, B is TV connection, C is phone connection. So yahan pe kya hai? Option C is the right answer, that is phone connection. Telnet is no versatile that you can establish telnet session on one of the following types of communication. Here answer is phone connection. Next question is IRC stands for, most important question. IRC stands for A is Internet Resource Channel, B is Internet Routing Channel, C is Internet Rights Council and D is Internet Relay Chat. तो यहाँ पे जो IRC है, IRC stands for Internet Relay Chat. Option D is the right answer. Guys, याद रखना Internet Relay Chat. ठीक है, IRC stands for Internet Relay Chat. So option D is the right answer. Question number 39 is what is Usenet? Usenet, it is a provider of news. What is Usenet? It is a provider of news. What is Usenet? It is a provider of news. Guys, Usenet जो है, ये provider है किसका? News का. Option A is the right answer. Question number 40 is the most new readers present news groups article in. Most new readers present news groups article in. जो most new readers होते हैं वो present करते हैं new groups article in कहाँ पे? Option C, that is threads. Most new readers present news groups article in threads. Option C is the right answer. जो new readers हैं वो present करते हैं new groups articles इन कहां पे? थ्रेड्स में. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. एसएमटीपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज अ सिंपल. एसएमटीपी क्या है? इज अ सिंपल टीसीपी प्रोटोकॉल. यहां पे जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है. जो एसएमटीपी है इज अ सिंपल टीसीपी प्रोटोकॉल. क्वेश्चन नंबर 42 इज अ सिंपल प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर फेचिंग ईमेल फ्रॉम ए मेल बॉक्स इज. A simple protocol used for fetching a mail from a mailbox is. Here A is POP2, B is POP3, C is IMAP. So guys, here right answer is option B, that is POP3. A simple protocol used for fetching email from a mailbox is POP3. Option B is the right answer. Question number 43 is a popular application of computer networking is the World Wide Web of News Group called. अभी यहाँ पे इसने बोला है a popular application of computer networking is the World Wide Web of News Groups called. क्या बोलते हैं उसको? Here answer is option C, that is Net News. ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? Net News. A popular application of computer networking is the World Wide Web of News Group called Net News. Option C is the right answer. Next question is question number 44. Email address is made up of. Most important question. Email address is made up of. A is single part. B is two parts. C is three parts. D is four parts. So email address is made up of. Option B is the right answer. That is two parts. याद रखना गाइस, टू पार्ट्स. ईमेल इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45, दैट इज ए प्रोग्राम सप्लाइड बाय बीएसएनएल द प्रोग्राम सप्लाइड बाय बीएसएनएल व्हेन यू आस्क फॉर इंटरनेट कनेक्शन फॉर द ईमेल एक्सेस इज द
program supplied by VSNL when you ask for internet connection for the email access is here. Option B is the right answer, that is PINE, P-I-N-E. ठीक है, the program supplied by VSNL when you ask for internet connection for the email access is here. Right option is PINE, PINE. Next question is question number 46. SMTP stands for, देखो SMTP जो है उसका meaning क्या है, full form क्या है उसकी. A is short mail transmission protocol, B is small mail transmission protocol, C is server mail transfer protocol and D is simple mail transfer protocol. SMTP stands for simple mail transfer protocol. SMTP stands for simple mail transfer protocol. Option D is the right answer. Question number 47 is the email component of internet. The email component of Internet Explorer is called, क्या बोलते हैं उसको. Here A is message box, B is Outlook Express. The email component of Internet Explorer is called Outlook Express. ठीक है, here option B is the right answer. Next question is Messenger mailbox is present in, कहाँ पे present होता है Messenger mailbox. Messenger mailbox is present in कहाँ पे. A is Internet Explorer, B is Netscape Communicator और C है आपका both A and B, D है none of the above. Netscape Communicator is the right answer. जो आपका Messenger mailbox है वो is present in Messenger mailbox is present in Netscape Communicator. Option B is the right answer. Question 49. In the convenient place to store contact information for quick retrieval is, यहाँ पे लिखा है the convenient place to store contact information for quick retrieval is. Here A is address box, B is message box, C is address book. Guys, the convenient place to store contact information for quick retrieval is option C is the right answer, that is address book. Question number 50 is which one of the following statement is not correct for digital signature. Which one of the following statement is not correct for digital signature. Here A is it is mechanism for authentication, B is it cannot be duplicated, C is it is created by encrypting information and D is it is the scanned image of one's signature. तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि which one of the following statement is not correct for digital signature. तो यहाँ पे it is the scanned image of one's signature, ये वाला जो option है वो सही नहीं है. ठीक है, so option D is the right answer. Guys, here हमने आज जो है 50 question complete कर लिए हैं. उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट आवर लेटेस्ट वीडियोस. फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्रिपेयर बेल, परफॉर्म बेल. फ्रेंड्स, आपकी जो सब्सक्रिप्शन है उसी से हमें पॉजिटिविटी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है और अच्छे अच्छे नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए. तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. उम्मीद करता हूँ आप मुझे सपोर्ट करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.